होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता पर भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर क्या सोचते थे, उन्होंने सेम सेक्स के प्यार और रिश्तों पर आखिर क्या कहा है, आगे इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी पर हम आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार बताएं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि होमोसेक्सुअलिटी आखिर होती क्या है और होमोसेक्सुअलिटी को लेकर भारत में फिलहाल क्या बहस चल रही है। होमोसेक्सुअलिटी यानी जब एक लड़का किसी लड़के से या एक लड़की किसी लड़की से प्यार करने लगे तो उसे होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता कहते हैं। इन दिनों देश की सबसे बड़ी अदालत में होमोसेक्सुअल लोगों की शादी पर बड़ी बहस चल रही है। अदालत उन याचिकाओं पर बहस कर रही है जिनमें सेम सेक्स मैरिज करने की इजाजत मांगी गई है, यानी एक लड़का किसी लड़के से या एक लड़की किसी लड़की से शादी कर सके। सुप्रीम कोर्ट जल्द इस बारे में अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और मुमकिन है आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला आ जाए। भारत में लंबे समय तक होमोसेक्सुअलिटी को अपराध माना जाता था। सेम सेक्स के लोग जब आपस में यौन संबंध बनाते थे तो उन्हें आईपीसी की धारा 377 के तहत अननेचुरल सेक्स करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को अपराध साबित करने वाली आईपीसी की धारा 377 को रद्द कर दिया, जिसके बाद भारत में गे सेक्स लीगल हो गया। लेकिन क्या सिर्फ दो होमोसेक्सुअल लोगों के बीच सिर्फ सेक्स ही हो सकता है? क्या दो लोगों जो होमोसेक्सुअल हैं उनके आपस में घर बसाना चाहें तो क्या वो घर नहीं बसा सकते? क्यों किसी पुरुष और महिला की तरह ही गे या लेस्बियन कपल शादी नहीं कर सकते? ये वो सवाल हैं जिन्हें लंबे वक्त से उठाया जा रहा है। LGBTQAI+ के जो लोग हैं वो बहुत समय से ये मांग कर रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में बहुत से लोग होमोसेक्सुअल रिश्तों को अप्राकृतिक मानते हैं और सिर्फ पुरुष या महिला के बीच बनने वाले रिश्तों को ही स्वीकार करते हैं। खासकर शादी एक ऐसी चीज है जिसे ये लोग सिर्फ महिला पुरुष के बीच ही मान्यता देते हैं, क्योंकि इस शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं और परिवार या वंश आगे बढ़ता है। ऐसे लोग अक्सर ये तर्क देते हैं कि अगर होमोसेक्सुअल लोगों ने शादी कर भी ली तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते और अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकते। इस सवाल का जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे, वीडियो में आगे आपको इसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने होमोसेक्सुअलिटी पर क्या कहा था, वो क्या सोचते थे। दरअसल ये बात 1934 की है। 1934 में डॉक्टर अंबेडकर ने यौन शिक्षा से जुड़ा एक ऐतिहासिक केस लड़ा था। महाराष्ट्र में रघुनाथ धोंडो कर्वे नाम के एक पत्रकार थे जो समाज स्वास्थ्य नाम की एक पत्रिका निकालते थे। इस पत्रिका के गुजराती संस्करण में हस्त मैथुन और समलैंगिकता पर पाठकों की ओर से कुछ सवाल पूछे गए थे और उन पूछे गए सवालों के विस्तार से जवाब दिए गए थे कि हस्त मैथुन क्या होता है, क्या फायदे नुकसान है, समलैंगिकता क्या होती है, इसके पीछे क्या विज्ञान है। इस तरह के जो स्वास्थ्य संबंधी सवाल जवाब थे वो उस पत्रिका में दिए गए थे। कर्वे के इन जवाबों से रूढ़िवादी भड़क उठे और उन्होंने उन पर केस फाइल कर दिया था। उनकी भावनाएं आहत हो गई थी और जिस जमाने में समलैंगिकता पर कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता था, तब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कर्वे का केस लड़ने का फैसला किया था। और ये वक्त बहुत अहम है, आप इस वक्त को देखिए। इस वक्त तक डॉक्टर अंबेडकर एक बड़ा नाम बन चुके थे। वो महाड़ सत्याग्रह कर चुके थे, नासिक सत्याग्रह कर चुके थे, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले चुके थे और गांधी के साथ एक बड़े विवाद के बाद पूना पैक्ट भी साइन कर चुके थे। पूना पैक्ट पर वो हस्ताक्षर कर चुके थे, यानी वो पूरे देश में बहुत मशहूर हो चुके थे, एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने समलैंगिकता पर बहस करने वाले इस केस को लड़ने का फैसला आखिर क्यों किया था, क्या वजह थी कि वो ये केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे, इंडिविजुअल फ्रीडम के वो सपोर्ट करते रहे हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए। यानी वो मानते थे कि व्यक्ति को अपने मन मुताबिक घूमने, पढ़ने, लिखने, घर बनाने, काम करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। वो इसके पक्ष में थे। बाबा साहेब की उच्च शिक्षा विदेश में हुई थी, इसलिए वो पश्चिम के उदारवादी विचारों और भारत के कट्टर ब्राह्मणवादी विचारों को अच्छी तरह से समझते थे कि उनमें क्या फर्क है। इसलिए बाबा साहेब ने इस केस को लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि किसी से जबरदस्ती कुछ भी बनवाने वाली ब्राह्मणवादी प्रथा को वो सही नहीं मानते थे, वो उसको गलत मानते थे। 28 फरवरी से 24 अप्रैल 1934 के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस मेहता के सामने केस की सुनवाई हुई। बीबीसी की एक रिपोर्ट में प्रोफेसर दलवी के हवाले से लिखा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का पहला तर्क था कि अगर कोई यौन मामलों पर लिखता है तो उसे अश्लील नहीं कहा जा सकता, हर यौन विषय को अश्लील बताने वाली आदत को छोड़ दिया जाना चाहिए।
डॉक्टर अंबेडकर की इस दलील पर न्यायाधीश ने पूछा था कि हमें इस तरह के जो विकृत सवाल हैं उनको छापने की जरूरत क्या है, और यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके जवाब भी क्यों दिए जाएं। ये जज ने उनसे पूछा बाबा साहब से। तो इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, विकृति केवल ज्ञान से ही हार सकती है, इसके अलावा इसे और कैसे हटाया जा सकता है। इसलिए कर्वे को सभी सवालों के जवाब देने चाहिए थे, जो उनके पाठकों ने पूछा था उसके जवाब देने चाहिए थे। बाबा साहब ने उसका जवाब दिया और बाबा साहब ने अदालत में इस बारे में जो आधुनिक समाज में उपलब्ध साहित्य था, रिसर्च था, उसका भी हवाला दिया, क्योंकि दुनिया भर की किताबें पढ़ते थे, रिसर्च पढ़ते थे, उसका हवाला भी उन्होंने कोर्ट में दिया। उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पर हेवलॉक एलिस के शोध का जो है जिक्र किया था, उनका जो रिसर्च था उसके बारे में अदालत में टिप्पणी की, वो पेश किया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अगर लोगों में इस तरह की यानी समलैंगिकता की इच्छा होती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उन्हें अपने तरीके से खुशी हासिल करने का अधिकार है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर 1934 का ये केस हार गए थे और कर्वे पर 200 रुपए का जुर्माना लगा था, लेकिन जिस विषय पर हमारे नेता आज भी बात करने से कतराते हैं, उस विषय पर बाबा साहब ने इतने साल पहले स्पष्ट स्टैंड लिया था, एकदम क्लियर स्टैंड था उनका, और वो अपने आप में क्रांतिकारी है कि काफी क्रांतिकारी विचार थे। बाबा साहब साफ साफ कहते हैं कि अगर लोगों में इस तरह की फीलिंग होती है, होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल की जो फीलिंग्स होती हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, होमोसेक्सुअल लोगों को अपने तरीके से खुशी हासिल करने का अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोर्ट में ये कहा था, दलील दी थी। और डॉक्टर अंबेडकर के जो ये विचार हैं, इन विचारों को और गहराई से समझने के लिए हमें शादी पर उनके विचारों को समझना चाहिए कि शादी के बारे में वो क्या सोचते थे, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज की अभी डिबेट चल रही है, तो इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं कि शादी क्या होती है। हमें ये समझना होगा कि भारत जो है एक पुरुष और एक महिला के बीच में ही शादी की जो संकल्पना है वो उसको जायज ठहराता है, लेकिन ये जो पुरुष और महिला के बीच में शादी की संकल्पना है वो कैसे जाति व्यवस्था को बनाए रखती है, इसका जो मनोविज्ञान है वो भी हमें समझना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी और 1916 में उन्होंने वहां पर कास्ट इन इंडिया नाम से रिसर्च पेपर पेश किया था, जिसमें वो सजातीय यानी कि अपनी ही जाति में शादी करने को जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाला तरीका मानते हैं। वो उसकी इस तरीके के तौर पर देखते हैं कि अगर मैं अपनी जाति में शादी करता हूं तो इससे जाति व्यवस्था बनी रहती है। और फिर 1935 में जाति का विनाश में भी डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि सती प्रथा, विधवा विवाह, और ये जो विधवा विवाह ना होने देने की प्रथा थी और अपनी ही जाति में शादी करने की जो सजातीय प्रथा थी, ये दरअसल असल में जाति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के तरीके हैं। वो इसका तर्क देते हैं अपनी किताब में और वो लिखते हैं कि जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है तब तक हिंदुओं में अंतर जातीय विवाह और बाहरी लोगों से शायद ही समागम हो सके। सजातीय विवाह की प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति यानी ब्राह्मणों में प्रचलित है। ये 1935 के आसपास आप देखें बाबा साहब लिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं रहा कि सजातीय विवाह का निषेध या ऐसे विवाह का ना पाया जाना ही जाति प्रथा का मूल है। डॉक्टर अंबेडकर जो यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिए, डॉक्टर अंबेडकर यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जब एक जाति का पुरुष अपनी ही जाति की महिला से शादी करता है तो वो जाति व्यवस्था को बनाए रखता है, क्योंकि उन दोनों से जो संतान पैदा होगी, जो बच्चा पैदा होगा, वो भी उसी जाति का होगा, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सजातीय शादियों से जाति व्यवस्था कायम रहती है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। सोचिए कि एक ब्राह्मण पुरुष और एक ब्राह्मण महिला ने शादी की तो उनका बच्चा भी जो है पैदा होगा, तो वो क्या होगा, उसको ब्राह्मण ही कहेंगे। यानी इस तरह शादी का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जाति को बनाए रखने का एक तरीका है। ब्राह्मण के और ब्राह्मणी के जो मिलन से बच्चा पैदा होगा वो भी ब्राह्मण होगा। इस तरह से दूसरी जाति के लोग भी जब सजातीय शादी करेंगे तो वो अपनी जाति को आगे बढ़ाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जाति की व्यवस्था बनी रहेगी। और यही वो वजह है कि ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजियस शादियों के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इससे खून की जो शुद्धता है, वो जो इनका पैमाना है कि हमारा प्योर ब्लड है, उसकी प्योरिटी बनी रहनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है, खून की शुद्धता नहीं रहेगी और मिक्स बच्चे पैदा होंगे, यानी जो जाति व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में तमाम तरीके के अपराध होते हैं जब लोग अपनी मर्जी से जाति धर्म का भेद मिटाकर शादी करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सेम सेक्स मैरिज होने लगेगी तो क्या जाति व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं आपको इसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। दरअसल भारत एक जाति प्रधान देश है, यहाँ सब कुछ जातियों के हिसाब से ही तय होता है। यहाँ सजातीय शादियों से
जाति को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है और परिवार जो है वो बच्चों के अंदर अपनी जाति के प्रति गर्व की भावना भरता है और परिवार ही इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि किस जाति के बच्चों से बात करनी है, किसके साथ खेलना है और किसके साथ अपना टिफिन शेयर करना है। आप देखेंगे ये तमाम ट्रेनिंग्स आपको घरों में मिलती हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड में दलित कुक सुनीता देवी के हाथ का जो खाना था वो खाने से इनकार करने वाले छोटे छोटे बच्चों को, उनको ये किसने सिखाया होगा? जाहिर सी बात है कि उनके घर वालों ने ही उसे सिखाया होगा कि उस महिला के हाथ का बना हुआ खाना आपको नहीं खाना है। तो ऐसी ट्रेनिंग हमको घरों से मिलती है, परिवार की जो संस्था उससे मिलती है। ऐसे में अगर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिलती है तो अपनी ही जाति में शादी करने वाली सजातीय प्रथा कमजोर होगी और परिवार नाम की संस्था भी नए स्वरूप में दिखाई देगी कि जिस तरह से भारत के परिवार की संस्था है, उसका एक सिस्टम है, वो भी एक नए तरीके की कल्पना होगी। नया परिवार बनेगा जहां जाति शायद उतनी मजबूत नहीं होगी क्योंकि लोग सेम सेक्स के साथ रह रहे हैं तो नए तरीके के अनुभव होंगे, जाति को धर्म को शायद वो भूलेंगे। तो इस तरह की हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए सेम सेक्स मैरिज को जाति विरोधी अभियान के तौर पे भी हमें देखना चाहिए। इसको देखा जा सकता है इस तरफ भी कि इससे जो जाति की व्यवस्था वो कमजोर हो सकती है क्योंकि इससे जाति कमजोर होने की गुंजाइश से हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जो दलित बहुजन बैकग्राउंड के समलैंगिक हैं उन कईयों के तो ये अनुभव है कि समलैंगिक संबंधों में भी जाति बड़ी भूमिका निभाती है। कई लोगों ने उनके साथ जातिगत भेदभाव का भी जिक्र किया है कि जब हम समलैंगिक रिश्तों में थे तो हमें जातिवाद का सामना करना पड़ा। आपको एक उदाहरण बताता हूं कि कुछ समय पहले जो है एक सवर्ण महिला ने अखबार में अपने बेटे जो कि गे था, अपने गे बेटे के लिए शादी का विज्ञापन छपवाया था, जैसे मैट्रिमोनियल कैड्स होते हैं, लेकिन उसे अपने गे बेटे के लिए ब्राह्मण लड़का ही चाहिए था। वो ब्राह्मण महिला थी, यानी होमोसेक्सुअलिटी को जो उन्होंने स्वीकार कर लिया वो इतनी प्रोग्रेसिव बन गई, लेकिन उसके बावजूद जो जाति है वो नहीं मिटी, उनको ब्राह्मण ही चाहिए था अपने बेटे के लिए। तो ये एक बड़ी बात उभर कर आती है ऐसे रिश्तों में। तो हमें होमोसेक्सुअलिटी को भी दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है कि उनका क्या नजरिया बन रहा है और खासकर जाति इस पूरे विमर्श में, इस पूरी डिबेट में क्या भूमिका निभाती है, हमें ये भी समझने की जरूरत है। खासकर जो दलित क्वीर एक्टिविस्ट हैं उनका तो कहना ही है, वो लोग तो ये खुलेआम कहते हैं कि LGBTQAI+ के जो अधिकारों से जुड़े हुए आंदोलन होते हैं, जो परेड होती हैं, उन अभियानों में सवर्ण जाति के समलैंगिकों का ही दबदबा होता है। ये कई बार आरोप लग चुके हैं कि वही लोग अपना पूरा डिस्कोर्स तय करते हैं और खासकर जो दलित बहुजन बैकग्राउंड से समलैंगिक होते हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। इन सब चुनौतियों के बावजूद जानकार ये मानते हैं कि सेम सेक्स जो मैरिज है उससे कास्ट को कमज़ोर किया जा सकता है, वो कमज़ोर होगी ऐसा उम्मीद है लोगों को। और तर्क ये दिया जाता है कि जिस तरह से इंटरकास्ट शादी में जाति की दीवारें टूटती हैं, वैसे ही सेम सेक्स मैरिज होने पर जाति, शादी और परिवार की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो टूटेगी। आप देखें कि जब इंटरकास्ट शादी होती है तो अक्सर जो हमको देखने को मिलता है कि उसमें जाति उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाती है। जो प्रेम करने वाले जो कपल होते हैं उनमें तो कम से कम जाति को लेकर अपने जो विचार हैं वो हट जाते हैं और वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अपवाद हमेशा होते हैं, उसमें भी कई चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कई अनुभव ये देखने को मिलते हैं कि वहाँ जाति कमज़ोर हुई है और एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश होती है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा, सेम सेक्स मैरिज होगी, तो चूंकि परिवार की संस्था टूटेगी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था टूटेगी, कमज़ोर होगी जाति की व्यवस्था, तो इससे हालात सुधरेंगे, बेहतर होगा, एक उम्मीद की जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर भी आप देखेंगे तो इंटरकास्ट शादियों को, जाति व्यवस्था को तोड़ने का एक तरीका बताते हैं। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि इंटरकास्ट शादी करने से कैसे जाति व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में सेम सेक्स मैरिज भी एंटी कास्ट मूवमेंट में सहायक हो सकती है, लेकिन क्या होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है? ये सवाल भी आता है कि अगर हम इसको कास्ट के नज़रिए से देखें और फिर इसको नेचुरल अननेचुरल वाली डिबेट में लेके आएं तो क्या होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है? ये भी सवाल उठ खड़ा होता है, तो इसका जवाब भी हम देते हैं और इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कोई अननेचुरल फीलिंग नहीं है, वो पूरी तरह से नेचुरल फीलिंग है। ये ना ही कोई बीमारी है और ना ही कोई डिसऑर्डर है जिसे दवाइयों के जरिए ठीक किया जा सकता है। ये बिल्कुल प्राकृतिक है और जिस तरह से आपको कोई रंग पसंद होता है, खाने की कोई चीज़ अपने आप अच्छी लगती है या आप किसी खास तरीके का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, वैसे ही किसी के प्रति आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि आपका आकर्षण, आपका झुकाव होना भी एकदम नेचुरल है और इसमें कुछ भी गलत या कुदरत के खिलाफ नहीं है, तो इसको अननेचुरल नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है।
और आप इसके वैज्ञानिक आधार भी आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक फिलोसफी एक दी गई है बल्कि इसके वैज्ञानिक आधार भी हैं। वैज्ञानिक आधार पर अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि हम किसी के प्रति जब सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं तब होते हैं हम किसी के प्रति अट्रैक्ट, जब हमारे दिमाग से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, उसके ज़रिए हमारा दिमाग जो है वो रिएक्ट करता है और दो लोगों का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोन जैसे कई तरह के हार्मोन्स पर निर्भर करता है। इस तरह के कई हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जिससे हमको कोई अच्छा लगता है, कोई ख़राब लगता है या किसी के प्रति हम सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली केमिकल लोचा है, हार्मोन्स का लोचा है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है और ये सारा हमारे दिमाग के अंदर होता है। अगर कोई लड़का गे है तो उसके जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं जिन्हें लव हार्मोन्स कहा जाता है वो किसी लड़की को देखकर रिलीज ही नहीं होंगे, यानी उसका मन नहीं करेगा कि वो किसी लड़की के साथ संबंध बनाए, जबकि उसे किसी लड़के के साथ होने पर खुशी मिलेगी और उसे वो अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल एक नेचुरल सी प्रक्रिया है और कहने का मतलब ये है कि ये सब हमारे दिमाग में होने वाली एकदम नेचुरल क्रियाओं का नतीजा है। इसलिए होमोसेक्सुअल होना ना ही अननेचुरल है और ना ही अनैतिक। ये जो नैतिकता के पैमाने गढ़े जाते हैं उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, अनैतिक भी नहीं है, क्योंकि अगर दो व्यस्क लोग अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो इससे अगर किसी को तीसरे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर इसमें भला क्या गलत है, आपको इसमें दिक्कत क्यों हो रही है। इसलिए हमें होमोसेक्सुअल लोगों के साथ भेदभाव करना बंद कर देना चाहिए, सबको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए और सबको अपने मन मुताबिक जीने का अधिकार होना चाहिए। रही बात वंश बढ़ाने की, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, लोग कहते हैं कि महिला और पुरुष ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, सेम सेक्स वाले जो कपल हैं वो कैसे बच्चा पैदा करेंगे, कैसे वंश बढ़ाएंगे, तो इसका जवाब ये है कि आज विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। विज्ञान के जरिए आजकल पुरुष भी बच्चे को जन्म दे रहे हैं, महिलाएं जो बिना पुरुष के साथ जाए हुए भी गर्भवती हो सकती हैं, IVF जैसी टेक्निक्स हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सरोगेसी की सुविधा उपलब्ध है और बच्चा गोद लेने की भी सुविधा है जो कि कानूनी तरीका है। तो सेम सेक्स कपल भी पेरेंट्स बन सकते हैं, इसलिए वंश बढ़ाने की ये चिंता गए जमाने की बात हो जाती है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये पुरानी बात हो जाती है। आजकल इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिलने से एक नया समाज बनेगा जिसमें जाति और सजातीय शादी जैसी कई प्रथाओं के लिए शायद कम जगह होगी, वो कमज़ोर होगी और जो ये तरीके हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे तो इससे जाति की व्यवस्था है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होगी, धर्म का प्रभाव भी कमज़ोर होगा और दुनिया शायद और बेहतर होगी, क्योंकि जिन मुल्कों में इस तरह के प्रावधान हुए हैं वहाँ का समाज ज़्यादा समावेशी हुआ है और वो वहाँ पर इस तरह के भेदभाव नहीं देखने को मिल रहे हैं, दूसरे उनके तमाम एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन कम से कम जाति या धर्म जैसी जो भावनाएं हैं वो कमज़ोर होती हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सेम सेक्स मैरिज को भी कानूनी मान्यता मिले और जो ये लोग हैं होमोसेक्सुअल जो LGBTQAI+ के सदस्य हैं उनको भी अपने मन मुताबिक जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले। वीडियो के अंत में एक छोटी सी आपसे अपील है साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें। आप होमोसेक्सुअलिटी पर क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस मामले पर और ज़्यादा लोग अवेयर हों तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इससे जुड़े किसी और विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बना सकें। आपसे अपील है कि हमें सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।